हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख। आज हम पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर बीकॉम का बाइवेरिएट लीनियर कोरिलेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते लेक्चर, देखते क्या सीखने वाले कोरिलेशन के अंदर। देयर इज ओनली थ्री टाइप। सबसे पहला है स्कैटर डायग्राम, फिर कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोएफिशिएंट एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। मुझे कोई पूछे ना सर इसमें इजी क्या है बताओ, इजी तो सब ये फॉर्मूला बेस्ड है बट उसमें भी इजी बताओ ना सर, तो मैं बोलूंगा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अंदर दो टाइप है, एक कार्ल पियर्सन, ऑथर का नाम ही है कार्ल पियर्सन, और दूसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। दो ही चीजें इसके अंदर, एक कार्ल पर्सन और एक स्पीयरमैन। सबसे इजी अगर कुछ है तो स्पीयरमैन है, रैंक देना। आप सभी को रैंक देना पसंद है सर, सबसे पहला आएगा उसको रैंक वन, सेकंड रैंक टू, रैंक थ्री, सबसे लास्ट आया लास्ट रैंक। तो उधर अपने को वही काम करना है, रैंक देने का और आंसर निकालने। तो इसके बाद आने वाला बट सबसे पहला पार्ट जो है वो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मूवमेंट जो है ये करना है। अब ये जो फॉर्मूला है डिफर करता है, हर टीचर अपने हिसाब से इसे देता है, मतलब वही है किसी में कैलकुलेशन ज्यादा है किसी में कैलकुलेशन कम है। मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज लिख के दिया है, एक्चुअल में देखो तो तीन फॉर्मूला है बट ये जो मैंने लिखा है ये दो, एक मैं ये यूज करता हूँ स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो मेरे को ऐसा है कि 12th का बेस आपका अगर है मैथ्स के अंदर तो आपने 12th में ये सम सॉल्व किया था, आपको मैथ्स 2 के अंदर ये लेसन था। अब वही चीज के बेसिस पे अब 13th के अंदर ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। आप 12th के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो भी मार्क्स मिलेगा सर, हमारे मार्क्स कटेंगे नहीं, आप ये फॉर्मूला दोनों को यूज कर सकते हो। तो दो कंसेप्ट, एक है ये और एक है ये। तो कार्ल पियर्सन का पहला फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू, यहाँ पे जो दिख रहा है इसे पढ़ा जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या पढ़ा जाता है? स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का। अब ये कैसे निकलेगा? ये सीधा बोलता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स मतलब रूट ऑफ वेरियंस, रूट ऑफ वेरियंस मतलब जो अंदर लिखा है ना ये वेरियंस ही है। तो कभी कभी क्वेश्चन में वेरियंस पूछ लिया ऑफ एक्स तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वेरियंस फॉर एक्स पूछा है तो फॉर्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। एक ये तरीका है और एक जो दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा है वो सेम ही बात है, एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला यूज करो, x और y निकालने का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, y माइनस वाई बार अपॉन एन, और एल्स ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते, दैट इज ये 12th वाला है और ये आपके 13th के बुक का है, x माइनस एक्स बार अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एक्स बार वाई बार यूज किया है तो यहाँ पे भी एक्स बार वाई बार यूज करने का, यहाँ पे एक्स वाई यूज किया है तो यहाँ पे एक्स वाई यूज करने का कंसेप्ट ये दिमाग में रखना है। समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन इधर भी है समेशन एक्स वाई बट अपॉन एन नहीं है क्योंकि यहाँ का अपॉन एन यहाँ चला गया, दैट इज समेशन एक्स अपॉन समेशन वाई अपॉन एन। यहाँ पे एक्स बार वाई बार आ गया है तो यहाँ पे एन इसके पास दिया, यहाँ पे एक्स बार वाई बार नहीं आया है इसलिए यहाँ पे एन, समेशन एक्स अपॉन एन एक्स बार होता है, समेशन वाई अपॉन एन वाई बार होता है, फॉर्मूला वही है। थोड़ा सा लॉजिक अगर मालूम है तो समझेगा क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर सॉल्व तो करवाने। समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार, यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन नहीं क्योंकि एन अभी इसके साथ चला गया इस फॉर्मूले में, एन यहाँ नहीं यहाँ है ना, समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। वाई है तो समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन, बट ये एन इधर चले जाने वाला तो क्या आएगा समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर अपॉन। ये 13th के टेक्स्ट बुक में है और ये 12th के टेक्स्ट बुक में। सर हम कौन सा यूज करें? जो इजी लगता है वो यूज करो, सब में कैलकुलेशन सेम है, फाइनल आंसर सेम ही आने वाला, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो फाइनल आंसर विल बी द सेम। ठीक है पक्का 100% समझा? तीसरा पार्ट इसके अंदर है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, पहले आज इतना कवर करते, अगर आज खत्म हुआ तो स्पीयरमैन भी कंटिन्यू कर ले। ठीक है टेक्स्ट बुक मनन प्रकाशन के अंदर सम नंबर, पेज नंबर मेरे पास जो अभी यहां पे दिख रहा है इसमें है पेज नंबर 92 सम नंबर सेकेंड, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 92 सम नंबर सेकेंड, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट टाइम इन वीक दैट इज एक्स and the output in 1000 unit y or of a factory, find the coefficient correlation and interpret it. ठीक है चलिए देखते हैं क्या लिखना है क्वेश्चन में, x दिया है y दिया है, चलिए देखिए x और y के अंदर क्या है, x का वैल्यू बोलो 7 5 4
11, 10, 12, 14, 9. फिर यहाँ पे 14, 8, 8, 19, 16, 19, 20, 16. ठीक है, ये क्लियर है? चलिए ठीक है, देखते हैं. अब अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर ये जरूरी नहीं कि यही यूज करो, ये भी यूज कर सकते हो. अगर ये करना है तो मुझे कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे? मुझे समेशन किसका चाहिए? एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का. सबसे पहला एक्स बार वाई बार फाइंड करना पड़ेगा. आप ये मेथड करो, एक्स बार वाई बार फाइंड करना कंपलसरी है. एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, y बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ y अपॉन n. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. फिर ये या ये दोनों में से कोई एक पकड़ के चलो. हम मैक्सिमम में ये यूज करते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये लिखा है, इसलिए इसे यूज कर रहे हैं. ये यूज किया तो भी चलेगा. ठीक है, हम ये यूज करेंगे तो इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है रिग्रेशन, उसमें भी ये यूज होने वाला है. कोरिलेशन रिग्रेशन साथ में कनेक्टेड रहेगा. तो कोरिलेशन में जो फॉर्मूला यूज कर रहे सेम फॉर्मूला रिग्रेशन में यूज करने वाले. सेम फॉर्मूला, खाली आधा आधा यूज होगा. एक्स में एक्स के जितना, वाई में वाई के जितना. वहां पे दो अलग अलग चीज होता है, यहां पे कंबाइन है कोरिलेशन में, बट रिग्रेशन में एक का रिग्रेशन पूछेगा. रिग्रेशन ऑफ एक्स, रिग्रेशन ऑफ वाई. यहां पे कंबाइन पूछा है रिलेशन कोरिलेशन. यहां पे एक्स और वाई कंबाइन होता है, वहां पे एक्स अलग और वाई अलग. फॉर्मूला विल बी द सेम. ओके, चलिए ठीक है. यहाँ पे x बार और y बार का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तो x का टोटल y का टोटल, तो ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. अब क्या क्या चाहिए? एक कॉलम चाहिए x माइनस x बार का, तो पहला कॉलम बनेगा x माइनस x बार का. फिर एक कॉलम चाहिए y माइनस y बार का. फिर ये फॉर्मूले के हिसाब से x माइनस x बार द होल स्क्वायर, y माइनस y बार द होल स्क्वायर, फिर x माइनस एक्स बार y माइनस बार. तो ये फॉर्मूला क्यों अवॉइड करता हूं मैं? क्योंकि इतने सारे कॉलम्स बनते हैं और इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो खाली तीन कॉलम. मतलब अगर ये अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला लिख रहे तो तीन ही कॉलम. इधर कितने कॉलम? एक दो तीन चार पांच, पांच कॉलम बने, पांच कॉलम. बट उसके हिसाब से कितने कॉलम बनेंगे? तीन. तो फ्यूचर में सर कौन सा यूज करेंगे? हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे. आज खाली एक्सप्लेन करने के लिए दोनों में सॉल्व करके दे रहा हूं. ठीक है क्या? तो अब इसके हिसाब से x माइनस x बार, तो पहले x बार का टोटल निकालना पड़ेगा. x बार मतलब समेशन ऑफ x, तो यहां पे समेशन ले लेते 70 पक्का, और इसका टोटल 120. देयरफॉर x बार का टोटल है 72 अपॉन n, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड बाय 8 करो, 9 जा 72, इधर आ जाएंगे 120 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 8 15. एक्स बार वाई बार आ गया. अब ये कॉलम्स को सॉल्व करेंगे. पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम, फिर ये आपका तीसरा कॉलम, ये आपका चौथा कॉलम, और ये आपका पांचवा कॉलम. ये क्वेश्चन में ही दिया था एक्स का कॉलम और वाई का कॉलम. क्लियर है? चलिए, x ये है, x बार ये है, 7 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 2 1 3 5 0. अरे समझा, ये x में x बार को माइनस किया, x अपने पास है, x बार तुमने सॉल्व किया है. यहाँ पे y बार कितना? 15, 14 माइनस माइनस 1, यहाँ पे माइनस 7, माइनस 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, 5, 4, सॉरी 1. अरे समझा ना, क्लियर है? सो नहीं, अब क्या करना है? x माइनस x बार का स्क्वायर करना है. ये x माइनस x बार है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर. बेसिक. इसमें क्या हो रहा है मालूम पड़ रहा है? नंबर छोटे हो रहे हैं और कुछ नहीं है. क्लियर? बट अपने को क्यों डरना है? अपने को तो कैलकुलेटर अलाउड है ना. छोटा नंबर होने तो बड़ा नंबर, वो कैलकुलेटर को यूज करने का दिमाग, अपने को तो यूज ही नहीं करने का, अपने को बटन दबाने का. बराबर है? चले ठीक है. y माइनस y बार 1,
49, 16, 1, 16, 25, 1, बराबर है। यहां पे आते x माइनस x बार y माइनस y बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2, 28, 35, 8, 1, 12, 25, 0। अब क्या करोगे, सबका टोटल करोगे, जितने भी कॉलम्स दिख रहे हैं सबका टोटल, पहले इसका टोटल, इसका x माइनस x बार द होल स्क्वायर का, y माइनस y बार का 158, x बार 111। तो यानी अब फॉर्मूला 0 0 0 0 आर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन n इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ये तो मिल गया बट स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मिला है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन x का, रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार द होल स्क्वायर अपॉन n, दैट इज रूट ऑफ x माइनस x बार है अपने पास 84 डिवाइडेड बाय 8, तो कैलकुलेटर पे पहले 84 डिवाइड बाय 8 करो, कितना 10.5। अब रूट का बटन प्रेस करो 3.2403। कुछ लोग होते हैं बेवकूफ जैसे, अब इसमें तो पूरा कैलकुलेटर पे रूट बटन नहीं है बट क्या करते मालूम है, 84 डिवाइड बाय 8 और फिर डायरेक्टली रूट का बटन दबा देते, तो आंसर आता है 2.82 और हम लोग बोलते सर इधर तो अलग आ गया है। ऐसे बेवकूफ लोग, अपन तो क्या होशियार लोग है, तो अपन क्या करेंगे 84 डिवाइड बाय 8 करके पहले आंसर निकालेंगे और फिर रूट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको आंसर आएगा। थोड़ा ये दिमाग में रखना, क्योंकि अगर आप 84 डिवाइड बाय 8 करके रूट का बटन दबा रहे हो तो आंसर गलत आता है। बात समझ में आया ना, ये गलती समझती नहीं अपने को, अपने को ऐसा कि कैलकुलेटर ने राइट आंसर ही दिया है, लेकिन कैलकुलेटर को जो तुम ऑर्डर दोगे वो उसका आंसर देगा। तुमने ऑर्डर दिया 8 का रूट, 84 डिवाइड बाय 8 का रूट ने, फर्क समझो, क्लियर है? तो इससे गलती आप ही करने वाले हो, कैलकुलेटर गलत नहीं दे रहा है, आपने बटन प्रेस रॉन्ग किया इसलिए आंसर रॉन्ग हुआ है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है 3.2403 होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन y ले लेते हैं, रूट ऑफ समेशन y माइनस y बार द होल स्क्वायर अपॉन n, दैट इज रूट ऑफ इधर आ जाएगा आपको 158 डिवाइडेड बाय 8, रूट 19.75 इज इक्वल्स टू 4.4441, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूले के हिसाब से चले जाते हैं, x माइनस x बार y माइनस y बार का टोटल है 111 अपॉन n कितना था 8 इंटू 3.2403 इंटू 4.4441। हमेशा याद रखो कोरिलेशन रिग्रेशन जब भी सॉल्व कर रहे हो पॉइंट के बाद चार डिजिट लेना, दो डिजिट साथ मत खेलो, अगर दो डिजिट में आंसर है तो बात अलग है, लेकिन जिधर भी दो से ज्यादा डिजिट है 3, 4, 5, 6 है तो मैक्सिमम 4 डिजिट का कैलकुलेशन लेने का, पांचवा डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो एक राउंड ऑफ कर दो, क्लियर। अब कैलकुलेटर पे क्या करना है, 111 तो है आपके पास, इसे कुछ भी छेड़ना नहीं है, 8 इंटू 3.2403 इंटू 4.4441 मल्टीप्लाई करो तीनों और फिर मेरे को आंसर बताओ, 8 इंटू 3.2403 111 अच्छी से सबर 115.2017 बराबर है। अब कैलकुलेटर पे 111 डिवाइडेड बाय 115.2017 विल गिव यू 0.96, चार डिजिट क्या है आगे 35 आएगा, तो आप इसे 96 ही लिखोगे अगर दो डिजिट में आंसर लिखना, बिकॉज 5 से बड़ा है तो ये 4 होएगा, इसके बाद ये 4 ही है ना, तो इधर राउंड ऑफ होएगा क्या, नहीं,
तो इसका फाइनल आंसर 0.96 आएगा। इसमें कुछ भी डाउट है क्या? क्लियर, पक्का समझ में आया 100%? तो मैंने इस मेथड, सर हम अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो क्या, आप ये मेथड से भी करो तो भी आंसर यही है। समझ में आया क्या? पक्का कंप्लीट हो, स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 93 सम नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, सेम चीज पूछा है। क्या पूछा है? फाइंड द कोएफिशिएंट कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक्स दिया है, वाई दिया है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन पूछा है। चलिए बताइए एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। 14, पहला 8 है, 14, 8, 10, 11, 9, 13, बस इतना ही है डेटा। चलो अच्छा है, वाई 14, 9, 11, 13, फिर 11, 12, अब हम करने वाले दूसरे मेथड से। सर यही करते रहो ना, मजा आ रहा था, करते ना ट्राई, देखते होते हैं क्या है ये दूसरा मेथड। इसको भी बुरा नहीं लगा, लिखा है भाई, हमको यूज नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से एक्स वाई, एक्स और वाई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट्स इट, तीन ही कॉलम। और ये सेम चीज रिग्रेशन में भी आएगा, तब भी सेम तीन कॉलम ही बनेगा, ठीक है? तो यहां पे तीन कॉलम बनेगा और तीनों का टोटल होगा। एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे 256 शायद, देखो या 276, 14 × 14 196 होता है ना बेटा, 9 × 8 = 72, 110, 143, यहां पे 156, ठीक है? अभी एक्स स्क्वायर 196, 64, 100, 121, 81, 25, वापस से 196, 81, 81। अब इस क्वेश्चन में सबका टोटल बनेगा, सब कॉलम का टोटल, एक्स का वाई का एक्स स्क्वायर, पहले वाले का 70, क्या बात, कितना, फिर 800, पक्का ना, किसका बेटा, एक्स स्क्वायर का कितना, 796। सबर सबर, एक जन बोलो ना, इतना पहले एक्स वाई बोलो, 796 एक्स स्क्वायर, 756, ठीक है, चलिए तो बन गया। अब फॉर्मूला, आर का मतलब होता है कोरिलेशन, आर का मतलब कोरिलेशन, फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वेयर अपॉन एन, फिर से मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वेयर अपॉन एन, फॉर्मूला डन। चलिए ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहले तो एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई बना है 796, समेशन ऑफ एक्स 70 इंटू 74 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 होल डिवाइडेड बाय, सबर सबर कोई घाई नहीं, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 756 माइनस समेशन ऑफ एक्स 70 स्क्वायर अपॉन एन 7। फर्क समझा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ये, नहीं यहां पे समेशन एक्स स्क्वायर था, यहां पे समेशन एक्स उसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर कितना है 848 माइनस
वाई द स्क्वायर 74 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। एक ही करके कैलकुलेटर पे आराम से, कोई घाई नहीं है सम सॉल्व करने का। 796 को भाई तू थाम, इधर सॉल्व करते हैं, कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा, 740 हो जाएगा। एक ही करके सॉल्व किया, यहां पे पहले कैलकुलेटर पे 70 × 70 4900 आएगा। 4900 को डिवाइड बाय 7 करोगे 700 आ जाएगा, बराबर है। 756 माइनस 700, ये एक रूट के अंदर फिर से मल्टीप्लाई 848। 74 × 74 करो, 74 × 74 जो भी आंसर आ रहेगा डिवाइड बाय 7 कर दो। ठीक है, ये समझा गया सुहानी? तो नहीं, अब क्या करेंगे भाई, ऊपर माइनस हो रहा है 56, इधर भी माइनस हो जाएगा रूट ऑफ 56, रूट ऑफ 848 माइनस 782.2857 65.71। अब रूट का बटन प्रेस करना है, 56 रूट ऑफ 56 निकालो, मतलब 56 फिर रूट का बटन प्रेस करो, चार डिजिट तक बताना मुझे। 7.4833 इंटू 65 बोलो 1064। ये समझा? अब 56 जैसा वैसे ही रखो, डिवाइड इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16.6626। अब डिवाइड कर दो, 0 में रहेगा आंसर। ये किसका आंसर? आर का। यही सेम चीज आप ये फॉर्मूले से करके देखो, 101% यही आए। क्लियर है? क्लियर, पक्का समझा है? तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैसे सॉल्व होता है, क्लियर है? ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, आज इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।